हेलो एंड वेलकम टू ऑल देसी सिबलिंग में आपका स्वागत है। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बज रहे हैं एक। हम लोग जा रहे हैं दिविता को पिक करने क्योंकि आज उसका अर्ली डिसमिसल है। जाते जाते पहले मैं ये कपड़े डोनेशन के लिए रख रही हूँ जो मैंने सॉर्ट आउट किए थे। अब ये कपड़े बच्चों को छोटे हो गए हैं तो मैं इन्हें डोनेशन में डाल रही हूँ और फटाफट जाके मैं दिविता को पिक करती हूँ क्योंकि आज वो 1 बजे ही घर आ रही है। ये क्या है? बस टिकट, जिसको मिलता है वो स्कूल आना पड़ता है। ये रही दिविता जो नहा धो के शैम्पू करके आ गई है और अब टाइम हो गया है उसको बताने का कि आज वो शाम को कहाँ जाने वाली है। गेस कर सकते हो कहाँ जाने वाली है आप? और आप जा रही हो गरबा खेलने। याद है गरबा क्या होता है? हाँ, आज आप शाम को उसके लिए जाने वाली हो। एक्साइटेड? गरबा किस लिए जा रहे? मजा नहीं आता वहाँ? आता है लेकिन इस दिन स्पेशल डे। या स्पेशल डे, इंडिया से एक गरबा कराने वाले सिंगर आ रहे हैं, वो गाना गाएंगे और हम सब गरबा करेंगे और एंजॉय करेंगे। और ये हैं वो टिकट्स जिनके लिए कल से इतनी मारामारी चल रही थी, फाइनली हाथ में आ गए हैं। ये देवा बिना बात के खुश हो रखा है। दिविता और मैं थोड़ा सा रेडी हो गए हैं और अब हम बनाएंगे एक रील, उसके बाद कपड़े पहनेंगे। आ जाओ अब वहाँ पे जाके हम लोग फिनिश करेंगे। नहीं, यहीं पे करेंगे। चलो जल्दी आ जाओ। हाँ ऐसे बनाना है, देव पागलपन के काम नहीं करने हैं, अच्छी वाली रील बनानी है। जल्दी आ जाओ, लेट हो गए। ओह 5:30 हो गए, हमें 5:30 पे जाना था। और अब हम पूरी तरह रेडी हो गए हैं। ये है मेरा फाइनल लुक। दिविता जल्दी आओ, ये है दिविता का फाइनल लुक। चलो आ जाओ। बाय देवस, बेस्ट ऑफ लक बोलो। बेस्ट ऑफ लक। देवस को भी आना है, क्लोजर बंद कर दो। चलो दिविता, दिविता सारा बोथ रेडी। नो, वी आर गोइंग इन सारा कार। अब हम सारा की कार में बैठकर जा रहे हैं गरबा करने के लिए और ये वेन्यू काफ़ी दूर है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। इस बार गरबा के सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए थे इसलिए बड़ी मुश्किल से हमें सिर्फ 2 ही टिकट मिल पाए हैं, इसलिए देवस और उसके डैडी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं और दिविता, सारा और उसकी मम्मी ही जा रहे हैं। आ गए हैं। दिखने लग गए अपने देसी लोग। देखो देखो, चलो ग्रैनी, ग्रैनी अपनी बेटी का हाथ पकड़ लो। अरे मम्मा ये हाथ फ्री नहीं है। तेरा ला ये मेरे को दे दे, बस हो गया फ्री। वो है सामने, काफी बड़ा लग रहा है। हाँ यही है फॉक्स वुड्स, वो रहा फॉक्स। वाव सी, केयरफुल होके अपने लहंगे दुपट्टे संभाल के। दिविता हाथ पकड़ो, ला डांडिया मुझे दे दो। चलो next to the other side of the
ज़्यादा लोग आए हैं इस बार, क्योंकि इस क्लोज स्पेस में गरबा है इसीलिए कैपेसिटी कम है और सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। इसी चक्कर में हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और लास्ट मोमेंट जैसे तैसे करके हमको टिकट्स मिले हैं और ये शुरू। खाने पीने का देख लेते हैं। क्या खाओगे? क्या खाओगे सारा? ये है खाने का मेनू। सबसे पहले हम बच्चों को कुछ खिला देते हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी भूख लगाई है और खाली पेट तो वो गरबा कर नहीं सकते। गरबा स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम है लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी है। और अब टोकन लेने के बाद हम आ गए अपना खाने पीने का सामान लेने और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, फटाफट चलेंगे। ओके, यहाँ पे लगी है। सही है, ये लिए हमने समोसे और वहाँ पे स्प्रिंग रोल। Thank you.
और दिविता और सारा को डांस करते करते मस्ती चढ़ चुकी है। देखिए दोनों कितनी ज़्यादा खुश हो गई हैं। अब यहाँ पर हो रही है माता रानी की आरती और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रेडी होकर आए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी लगी है ये लाइट वाली ड्रेस। यहाँ पर इन लोगों ने अपने गुजराती कॉस्ट्यूम में ये लाइट लगाई है, जिसकी वजह से ये लोग अलग ही दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई है। यहाँ पर गरबा स्टार्ट ही काफ़ी देर से हुआ था और क्योंकि आज वर्किंग डे था तो बच्चे स्कूल भी गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। तो अब हम घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पर दिविता मुझे बता रही है कि उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, वो तो हमने देख ही लिया है। हॉल से बाहर निकलते ही हैं ये इंडियन ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम के स्टॉल्स, जिन्हें देखने का हमें टाइम ही नहीं लगा और अब तो टाइम बचा भी नहीं है, तो घर चलते हैं। लहंगा ऊपर उठाओ, लहंगा ऊपर ऊपर चलो। पापा पापा बाहर हैं, आ जा। ले स्कूल बस में चलेगी क्या? स्कूल बस में ठीक है, स्कूल बस भी आई हुई है यहाँ पे। क्या पापा दिख रहे हैं? कहाँ है पापा? आओ उतार दे। देविता ने बीच सड़क पे अपनी स्कर्ट उतार दी है, अब कंफर्टेबली बैठेगी। कहाँ रह गए पापा? अब हम निकल पड़े हैं घर के लिए। काफ़ी टायरिंग लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग डे था, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली दिविता और सारा ने, जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है। होप कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।